हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएच फैशन वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और आसान डिज़ाइन, और बहुत ही प्यारा और आसान सा ये डिज़ाइन है। सिर्फ दो रो का ये डिज़ाइन है और हर दो रो के बाद ये डिज़ाइन रिपीट होता है, और आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पर बना सकते हो। सब में ही ये प्यारा लगने वाला डिज़ाइन है। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से इसको दिखाती हूँ, ये देखिए। और चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। अगर आपको डिज़ाइन और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना। तो चलिए बढ़ते हैं इस डिज़ाइन की। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने इवन नंबर में फंदे रखने हैं, जैसे 2, 4, 6, इस तरह से आपने फंदे लगा लेने हैं। और प्लस, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिए हैं टोटल 30 स्टिचेस, 30 फंदे मैंने यहाँ पर डाले हैं। इस तरह से आप भी डाल लीजिएगा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये तो चलिए, हमारी रो रो वन है। है राइट साइड से। अब यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, देखिए पहला फंदा हम इसमें ऐसे ही उतारेंगे, सीधा हमने ये उतार लिया। और उसके बाद देखिए, जो आगे वाले 2 फंदे हैं उसके बाद में हम सिलाई को यूं डालेंगे, कोई भी फंदा हम यहाँ नहीं पकड़ेंगे, सिर्फ 2 फंदों के बाद में हम सिलाई को इस तरह से डालेंगे और यहाँ से एक फंदा सीधा निकालेंगे इस तरह से, और फिर हम ये 2 फंदे भी सीधे बना लेंगे, एक और ये 2, इस तरह से देखिए। और देखिए, यही हमने पूरी रो में रिपीट करना है। 2 फंदों के बाद में हम सिलाई को यूं डालेंगे, ध्यान रखिए कोई भी फंदा हम यहाँ पर नहीं पकड़ेंगे, 2 फंदों के बाद में हम ये सिलाई को डालेंगे और एक फंदा यहाँ से सीधा निकालेंगे, फिर हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से देखिए। फिर से देखिए कि यहाँ एक बार, यहाँ पर देखिए 2 फंदों के बाद में हम सिलाई को यूं डालेंगे, एक फंदा यहाँ से सीधा निकालेंगे, फिर हम पहला फंदा सीधा बनाएंगे और फिर दूसरा फंदा सीधा बनाएंगे। और देखिए, इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। 2 फंदों के बाद में हमने सिलाई को डाला, एक फंदा सीधा निकाला, फिर पहला फंदा सीधा बनाया, फिर दूसरा फंदा सीधा बनाया, और इसी तरह से हमने ये पूरी रो कंप्लीट करनी है, और लास्ट में एक फंदा हमने सीधा बना लेना है। अब आ जाइए रो 2 में, रॉन्ग साइड से। रॉन्ग साइड से देखिए, इस तरह से आपका डिजाइन दिखता है। अब देखिए यहाँ पर क्या हम करेंगे, पहला देखिए जो लास्ट का फंदा हमने यहाँ पर सीधा बनाया था उसको हम उल्टा बनाएंगे यहाँ पर, और उसके बाद देखिए एक फंदा और हम यहाँ पर उल्टा बनाएंगे इस तरह से, और देखिए आगे वाले 2 फंदे, देखिए जो हमने, जो पहला फंदा जो हमने 2 फंदों के बाद में बनाया था उसके साथ जो एक पहला फंदा हमने सीधा बनाया था, इन दोनों को हम यहाँ पर इकट्ठा बनाएंगे उल्टा, और देखिए एक फंदा ऐसे ही उल्टा बनाएंगे और आगे वाले 2 फंदे हम इकट्ठे बनाएंगे उल्टे। और पूरी रो में देखिए हमने यही करना है, एक फंदा जो अकेला आपको दिख रहा है वो आपने ऐसे ही बनाना है, और जो 2 फंदे देखिए हमारे यहाँ पर इकट्ठे हैं, ये देखिए ये हम इकट्ठे बनाएंगे उल्टे। इससे क्या होगा, जो पिछली रो में हमारा एक एक फंदा बड़ा था वो हमारी इस रो में बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिए आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है, एक फंदा हम ऐसे ही उल्टा बनाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाया और 2 फंदे हमने इकट्ठे बनाए उल्टे, 2 का 1 फंदा हमने बनाया। तो इसी तरह से देखिए आपने पूरी रो कंप्लीट करनी है और लास्ट का एक फंदा आपने ऐसे ही उल्टा बना लेना है। और देखिए, रो 2 मैंने रॉन्ग साइड से कंप्लीट कर ली है, और इस तरह से देखिए हमारा डिजाइन यहाँ पर ये आ भी गया है। देखिए, अब देखिए यही 2 रो आपने कंटिन्यू करनी है, रो 1 एंड रो 2 आपने कंटिन्यू करनी है, जितना भी आप डिजाइन डालना चाहते हो। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।